वंदे मातरम फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, चेक वेदर फंक्शंस आर वन वन और नॉट, ऑन टू और नॉट. लेट्स स्टार्ट. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी में थोड़े बहुत उससे रिलेटेड है और थोड़े नए हैं. ओके, वन वन और ऑन टू के लिए आप जितना खुद सोचोगे, मतलब उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने आप सोचोगे, यू कैन डू इजीली. ओके, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली थिंकिंग बेस्ड है. जब प्रूफ भी करना है तो प्रूफ में भी आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि इज इट वन वन और नॉट, इज इट ऑन टू और नॉट. ओके, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है फॉर प्रूफ वो थियरी बेस्ड है. वो हम डायरेक्टली, अगर थियरी पता है तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट वी नो दैट इज इट वन वन और नॉट, इज इट ऑन टू और नॉट. अगर फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, देन यू नो दैट इट इज इन्वर्टिबल. ओके, इनवर्स आपको मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन. व्हाट इज दैट? एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. ओके, सो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है. मैंने यस्टरडे जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें भी आपको बताया है कि जो हमारा डोमेन एंड को डोमेन है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस. इज इट वन वन और नॉट, इज ऑन टू और नॉट, वो पूरा डिपेंड करता है इन दोनों पे. ओके, तो इसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते जाएं, सो यू कैन कन्वर्ट दिस नॉट इन वन वन एंड नॉट इन ऑन टू. ठीक है, ऑन टू है तो उसको नॉट इन ऑन टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज मेरे पास स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे बहुत सिंपल चीज करनी है फॉर चेकिंग वन वन. I am common out x from both first and second step. Okay, मैंने first और second जो मेरा question है उसमें से मैंने x common निकाल दिया. अब क्या करेंगे? So this is my base. अब I have two factors here. एक number one x equal to zero and second is x equal to three, simple. So if I am putting x equal to zero, that lies in R simply. Okay. For x equal to 0 belongs to R. F of 0 मुझे क्या मिलेगा? Simply यहाँ पे 0 रख दो, first step 0, 0 plus 2, that is 2. Similarly, if I am putting x equal to 3, why 3? Because here it is your factor. Here 3 is your factor. So I am putting 3 here. So putting x is equal to 3, you will get f of 3, that is again it is 3 minus 3, that is 0. So first step is again 0. Ho gaya. Kya hua? Magic happens from here. Sirf x common nikalna hai, that's it. Aur kuch nahi karna hai. Agar aapka quadratic equation hai, to yahi follow karo. X first or second jo term hai, usme se common nikal do. Common nikaloge, you will get two factors. Jo factors hai, wo le lo. उन दोनों फैक्टर के लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है, दैट इज योर आंसर. सो फॉर दिस वी नो वेरी वेल दैट जी इज नॉट, जीरो इज नॉट इक्वल टू थ्री. सच अ थिंग हैपनिंग हियर. क्या हो रहा है? जीरो इज नॉट इक्वल टू थ्री, बट खिचड़ी हो गया. क्या खिचड़ी हो गया? वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है कि इफ दिस इज इक्वल देन दिस मस्ट बी इक्वल. इफ योर एक्स वन एंड एक्स टू आर इक्वल, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू आर इक्वल, देन एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू एक्स टू. ओके, और अगर इक्वल नहीं है तो दोनों साइड नॉट इक्वल, दैट इज योर डेफिनेशन. तो यहाँ पे तो हमारा खिचड़ी हो गया, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, तो मतलब वो नहीं चलेगा, इट इज नॉट वैलिड. सो अब एफ रो रहा है. वाई? बिकॉज इट इज नॉट वन वन फंक्शन. अगर रोते हुए को हंसना सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू जस्ट मेक अ लिटिल बिट चेंज इन दिस वन. ये फंक्शन
की वैल्यू इक्वल कहाँ पे आएगी, ओनली फॉर 0 एंड 3, अदरवाइज यू कैन पुट एनी वैल्यूज, यू कैन नॉट गेट इक्वल टू. सिर्फ यही दो फैक्टर है जहाँ पे आपकी वैल्यू सिमिलर होगी, अदरवाइज नॉट. तो सपोज मैं सिर्फ 0 को निकाल दूँ और 3 को निकाल दूँ, आई कैन डू एनी थिंग. आर माइनस जीरो कर दो और आर माइनस थ्री कर दो, इट कैन कन्वर्ट इन 1-1 फंक्शन, सिंपल. सो जब भी मैंने अभी बोला कि 1-1 को कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट इन 1-1 और ऑन टू है नॉट ऑन टू है, दोनों को वैसे वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? बाई मेकिंग लिटल बिट चेंजेस इन दिस. जो भी सेट यहाँ पे गिवन है, यू जस्ट वॉन्ट अ लिटल बिट चेंज एंड योर वर्क इज डन. If you want inverse only, okay. So यहाँ पे मुझे मिल गया f is not 1-1 function. अब बात करते हैं onto. तो onto के लिए you want a range of a function. तो range के लिए कैसे कर सकते हैं? हम directly range find कर रहे हैं. You can write the definition also. तो हम directly range change check कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी रेंज की भी, क्योंकि देर आर ऑल्सो सम्स रिलेटेड टू फाइंड द रेंज और डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो डोमेन अगर हमें करना है तो आर इज फाइन, नो प्रॉब्लम हियर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो आर इज फाइन. रेंज चेक करनी है हमें, तो पहले तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको कंप्लीट स्क्वायर में. तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए होगी लास्ट टर्म. सो वॉट इज द फॉर्मूला? लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. आप ऑलरेडी ये फॉर्मूला करके आए हैं 10th स्टैंडर्ड में यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर नहीं करके आए हैं तो कैसे करना है? अगर नहीं रिमेंबर, इफ यू नॉट रिमेंबर प्रॉपरली तो क्या करेंगे? ओके, तो ये तो मैंने फर्स्ट टर्म जो है मेरी एज इट इज लिख रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x. अब आई वॉन्ट लास्ट टर्म. एक चीज डेफिनेटली है कि यहाँ पे प्लस ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला आप देख लीजिए. योर फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इज बी स्क्वायर, सो पॉजिटिव टर्म होंगी. तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है लास्ट टर्म. व्हाट इज लास्ट टर्म? मिडल टर्म स्क्वायर. मिडल टर्म क्या है आपका? 3 स्क्वायर. ओके, माइनस है, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, डजंट मैटर. 4 इंटू फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1. सो योर लास्ट टर्म इज 9/4. अब ऐसे ही मैं ऐड नहीं कर सकती. इफ आई एम एडिंग आई हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड प्लस 2 इज एज इट इज. देखिए क्या किया मैंने, प्लस 9/4 माइनस 9/4 एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, तो वो हो गया प्लस 2 एज इट इज है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल मेरी हो गई. ओके, अब हाउ टू राइट कंप्लीट स्क्वायर, माइंड वेल. देखिए कैसे लिखना है. एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म जो भी है टेक इट स्क्वायर रूट. फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म साइन ओनली. सेकेंड टर्म्स साइन ओनली. आई वॉन्ट जस्ट साइन. माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस. फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म्स साइन ओनली एंड थर्ड टर्म्स अगेन स्क्वायर रूट. 3/2 होल स्क्वायर. जस्ट एक्सपांड इट, यू विल गेट दिस टर्म. ट्राई इट. ओके, अब यहाँ पे I will take LCM. क्या मिलेगा? 9 + 8/4. So that is 1/4. So this is your complete square. And यहाँ पे हो जाएगा -1/4. Okay. अब guys, ये -9/4 +8 है. You can understand or I can change it. आप ऐसे लिख सकते हैं. -9/4 + 8/4. ओके, 2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ. सो योर आंसर इज -1/4. ओके, अब इफ आई वॉन्ट टू फाइंड रेंज, देखिए ये प्रोसीजर आपको कब करनी है
only when you have a quadratic equation. Okay, तभी आपको करना है. So I can say that square is always greater than or equal to zero. Any number, if I have any number, its square is always greater than or equal to zero. Now I just want to subtract minus 1 by 4, so I have to subtract on both side. So this is your range. What is that? The range, this is my fx. Fx is always greater than or equal to minus 1 by 4. So range of f is equal to minus 1 by 4 to infinity. It is greater than minus 1 by 4. So simply minus 1 by 4 say greater matlab, this is your minus 1 by 4, is say greater matlab, all these values. So your range is minus 1 by 4 to infinity. Dekhi, ye first time we are doing, that's why it's taking a little bit more time. Otherwise, by practicing, you can solve it very quickly. Okay, aur ye jab bhi quadratic equation hai, so I am giving you a hint. F from R to R के लिए your quadratic equation can't be 1-1 or it can't be onto. 1-1 भी नहीं होगा, onto भी नहीं होगा. This is not equal to R because range भी आपका R नहीं आएगा. And for R square है तो plus minus दो values आपको मिलेंगी जिसके लिए आपका 1-1 भी नहीं होगा. So that is a hint. पहले मैं लिख लूँ, F is not onto. What is that? Time saving technique is F from R to R. Friends, this is very important. The set is very, very, very important. It must be F from R to R. Then Fx is equal to Ax square plus Bx plus C is not 1-1 और on 2, दोनों में से एक भी नहीं होगा. अगर आपको चाहिए 1-1 and on 2, so you have to change this 2. ठीक है, R में थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, range तो आपको यही लानी पड़ेगी, तभी आपका on 2 हो सकता है, because range of f is equal to codomain होगा, then only you can say the function is on 2. So just check it out, and then after I am giving you two sums for practice. Number 1, extra sum f from r to r, fx is equal to x square plus 4x plus 5, and number 2, f from r to r, fx is equal to 4x square plus 9x प्लस 15, ओके, ओके, ये वाला सम हमने ऑलरेडी कर दिया है एग्जांपल में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे चलो और थोड़ा सा, चलें, नो प्रॉब्लम, सो यू कैन डू एफ फ्रॉम आर टू आर, जैसे मैंने बोला, इट इज़ नॉट 1-1, इट इज़ नॉट ऑन टू, लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो है रेंज. How we can find the range of the function. So please do practicing yourself. Okay, little bit change in equation. What is that? Fx is equal to, अब आगे जो किया था वो numerator में था. Now there is 1 upon 1 plus x square. That is your quadratic equation in a denominator. तो यहाँ पे भी वो same technique use तो कर ही सकते हैं. क्या x common निकाल दो. What I left? हाँ, you can write 1 plus x also. Okay. अब your function is lying f from r to r again. So क्या हो जाएगा? What is the change? Again, I can use two values. If I am putting x equal to 0, then f of 0 is 1 upon 1 plus 0, that is 1. Again, if I am putting, what is the factor here? X plus 1, matlab factor aapka ho jayega minus 1. So, if I am putting x is equal to minus 1, again, your answer is 1. So, two values are similar. So, you can directly say f is not 1-1. Now, I am writing little bit speeding.
you can copy the writing method from the below example. Okay, question number 1 से आप कॉपी कर सकते हैं. Now for limit, sorry for range क्या कर सकते हैं? एक तो 1 upon है, so पहले तो जो भी है question यहाँ पे what is denominator? Denominator is x square plus x plus 1. So now I am going to convert it in a complete square. So what is the last term? Last term is middle term square. There is one only. 1 upon 4 into first term. Again, first term is also 1. Okay, so you can do it minus 1 by 4 plus 1 by 4. So you have to do minus 1 by 4. This is your complete square. How we are going to write? First term square root, second term sine, and again last term square root, whole square. अब यहाँ पे आप LCM लोगे तो मिलेगा 3 by 4. So what is the range? Easily you can say the range is x plus 1 by 2 whole square is greater than equal to 0. Just add 3 by 4 on both sides. So this is 3 by 4. So range of a function is 3 by 4 to 0, infinite. So this is the range which is not equal to r. So f is not onto. Okay, so similarly, हमने same किया यहाँ पे. Mistake. What is the mistake? This is 1 upon. The value is, now my fx is 1 upon. Okay, so यहाँ पे ये तो clear है, this is always greater than or equal to 3 by 4. Okay, तो अब what is my function? Fx is equal to 1 upon 1 plus x square. So I can write it in a denominator, that is x plus 1 by 2 whole square plus 3 by 4. Okay, तो अब नीचे वाली term always greater than or equal to 3 by 4 है, मतलब positive है. Positive है, तो I can write this is greater than 0. सपोज वैल्यू जो है 3 by 4, अब यहाँ पे अगर मैं माइनस 1 by 2 भी रखूँ तो आंसर इज 0. ओके, तो यहाँ पे 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 by 4, 4 is going in a numerator, so your value is 4 by 3 which is greater than 0. ओके, और 0 is the minimum value here. Any value except minus 1 by 2 you can put here, your value is just increasing. ओके, डिनोमिनेटर में जो आपका है वैल्यू जितना कम होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन. तो मतलब यहाँ पे एक चीज डेफिनेटली वी कैन से दैट इट इज ग्रेटर देन 0. सो रेंज ऑफ एफ यू कैन राइट इज 0 टू इन्फिनिटी. 0 कैन बी कम? नो, इट कांट बी. 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, मैं कुछ भी रखूँ. ओके, सो योर रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी विच इज नॉट इक्वल टू आर. सो एफ इज नॉट ऑन टू. Okay, so that is definitely sure that f is not 1, 2. Okay, number 3, f from n to n, f from n minus 1 to n, where f of n is, n जो है आपका जो number ले रहे हैं, n's highest prime number. Highest prime factor. ठीक है, तो क्या करना है? Suppose if I am taking n minus 1 है, मतलब 1 नहीं लेना है. Suppose I am taking f of 2. If I am taking f of 2, so 2 के जितने भी factors हैं, उसमें prime factor कौन सा होगा? 2's highest prime factor itself. 2 itself. अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 मिलेगा. If I am taking 4, तो 4 के factors कितने होंगे? 2 by 2, तो what is prime factor? 2. So, यहाँ पे क्या हो गया? 2 and 4 are not equal, but answer is same. 2 is not equal to 4, since I am betting f of 2 equal to f of 4, this implies f is not
कन्वर्ट। अब ऑन टू तो बहुत क्लियर है भाई, रेंज ऑफ एफ बहुत क्लियर है। रेंज ऑफ एफ मुझे क्या मिलेगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज नॉट इक्वल टू आर, सॉरी एन, विच इज नॉट इक्वल टू एन क्लियरली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं मेंबर्स लेती जाऊंगी, सपोज इफ आई एम टेकिंग 5 तो आंसर आएगा 5, इफ आई एम टेकिंग 6 तो मैक्सिमम प्राइम फैक्टर कौन सा आएगा, 3, 6 मीन्स 2, 3 जा, सो 3 इज अ हाईएस्ट नंबर, सो आपका आंसर आएगा 3, फिर 5 आया, 7 आएगा, 9 में फिर से 3 आएगा, 10 में 5 आएगा, सो ऑन। सो बेसिकली आपकी रेंज क्या मिलेगी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ पे सेट ऑफ लिखा है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नॉट नीडेड, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स सो विच इज नॉट इक्वल टू एन। और अगर आप ब्रैकेट में सेट में लिखना चाहे सो यू कैन राइट 2, 3, 5, 7 सो ऑन विच इज नॉट इक्वल टू एन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर? एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, तो ये थोड़े से ऐसे ट्रिकी सम्स है जहाँ पे अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो ऑन द स्पॉट आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। इजी टू डू, लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आना टेढ़ा दिख रहा है क्वेश्चन, और पहले तो देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे बापरे ये क्या है, तो दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्या अकल लगानी है, पहले तो फंक्शन को हम समझते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू सी एफ एक्स। यहाँ पे आर क्रॉस आर इज गिवन बिकॉज यहाँ पे जो आपका फंक्शन है इट इज ऑर्डर पेयर एक्स वाई, तो यहाँ पे इट मस्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि ऑर्डर पेयर के लिए आई वॉन्ट क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली। अब जो आंसर कन्वर्ट हो रहा है वो कांस्टेंट में हो रहा है, जो भी ऑर्डर पेयर है आपको क्या करना है, ये जो वाई है ना फटाक से एक्स के नीचे आ गया, बस उसने क्या कर दिया, अपना जो पोजीशन थी ऑर्डर पेयर के जैसे बैठा था बाजू में एक्स के, फटाक से वो नीचे आ गया, तो जो आपका आंसर मिलेगा दैट इज कांस्टेंट। ओके, वेरी सिंपल। अब सोचना ये है कि इज इट वन वन और नॉट, इज इट ऑन टू और नॉट। तो एक सिंपल चीज मैं ऐसे कर सकती हूँ, सपोज इफ आई एम टेकिंग 1, 1 तो क्या होगा, x तो अपनी पोजीशन पे एज इट इज बैठा है, y नीचे जाएगा, योर आंसर इज 1। अब ये सोचो 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 कि आंसर 1 और कहीं पे भी आ सकता है। क्या करना है, मुझे यही सोचना है कि किन किन का डिवीजन मुझे 1 मिलेगा। तो भाई बस हो गया, बहुत सारे डिवीजन मुझे 1 मिलेंगे। सपोज इफ आई एम टेकिंग 2, 2 तो 2 by 2 1, 3 by 3 1, 4 by 4 1, सो मेनी ऑप्शंस वी हैव, सो ऑन। सो यहाँ पे क्या मिला, ऑर्डर पेयर 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 और फिर भी मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 1, 1 एफ ऑफ 2, 2 बोथ आर सेम, देयरफॉर एफ इज नॉट 1, 1। नाउ इफ आई एम टेकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन टू, सो थिंक आप जो भी वैल्यू चाहे आप ले सकते हैं x by y के फॉर्म में। मुझे सपोज आंसर चाहिए 0.1, सो आई कैन टेक x इक्वल टू 0.1 एंड y इक्वल टू 1। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं 0.1 आंसर लाने के लिए। कोई कह सकता है कि मैम x 1 ले लो, y 10 ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, 2 ले लो, by 20 ले लो, 3 by 30 ले लो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारी वैल्यूज आई विल गेट, सो आई कैन राइट। अब यहाँ पे एक्स और वाई का यूज कर लिया है हमने, तो इफ आई एम टेकिंग नंबर पी, पी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ऑर्डर पेयर एक्स वाई, कहाँ पे ऑर्डर पेयर है हमारी डोमेन में। व्हाट इज डोमेन, डोमेन है ना ये बहुत बड़ा सा, आर क्रॉस आर माइनस जीरो, there exists x y belongs to your domain such that मुझे all answer के लिए question मिल ही जाएगा।
हाँ टीचर, ये क्या बोला आपने, ऑल आंसर के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। यस दैट इज कॉल्ड प्री इमेज। ये सारे पी के लिए मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो मतलब माई फंक्शन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू फंक्शन। ओके सो यू कैन डू दिस वे। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट सीट एंड देन वी गो फॉरवर्ड। थोड़ा क्वेश्चन में फिर से चेंज कर लेते हैं, अभी भी ऑर्डर पेर ही है तो क्या हो सकता है। देखिए नंबर 5, एफ फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ऑर्डर पेर नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर पेर में कन्वर्ट हो गया। मतलब आंसर आपका ऑर्डर पेर में, क्वेश्चन में मैं ले रही हूँ कॉन्स्टेंट टर्म, कन्वर्ट हो गया ऑर्डर पेर में। तो सिंपली सपोज इफ आई एम टेकिंग 1 तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1। इफ आई एम टेकिंग 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2। ओके सो ऑन, एन के ही मेंबर्स लेने हैं, सो 3 3 3, 4 4 4। तो यहाँ पे तो भाई रिपीट होने वाला मामला तो है नहीं, क्लियर। सो यू कैन राइट एफ इज 1 1 फंक्शन। अगर प्रूफ देना है सो फॉर ऑल एक्स 1 एक्स 2 बिलोंग्स टू एन, आई एम टेकिंग एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2। ये जो है मेथड है बाय थियोरी, अगर एमसीक्यू में करना है तो आपको जस्ट चेक करना है क्या इट इज नॉट रिपीटिंग एनी वे, सो योर फंक्शन इज 1 1। और अगर प्रूव करना है सो प्रूव कर रहे हैं, क्या है जो भी आप वैल्यू ले रहे हो वही आपको लिखनी है। अब ऑर्डर पेयर के लिए अगर मैं इक्वल टू लिख रही हूँ सो इट इज क्लियर, क्लियर कट आइडिया कि फर्स्ट मस्ट बी सेम, सेकेंड मस्ट बी सेम, एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम, y coordinate must be same, then only you can write equal to between. Okay, so you can take x1, x2 belongs to n. If I am taking here equal to and I am getting equal to, this means f is 1 1. Now what is about on to? तो पहले थोड़ा सा n cross n के बारे में अगर सोचे, तो n cross n के बारे में अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 के साथ 1 जुड़ सकता है, 1 2 1 3, so on. So many orders pairs are there belongs to n cross n. अभी देखिए मैंने सिर्फ 1 के बारे में ही दिखा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज माई आंसर फॉर एफ ऑफ 1। ये आंसर कभी भी पॉसिबल है, सोचिए सोचिए। ये आंसर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1 ही लिखना है। मैडम 2 तो रह गया, 2 नहीं बहुत सारे रह गए, 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ओके तो वो सारे मेंबर्स रह जाएंगे, हर एक में सिर्फ एक ही पैर आएगा, कौन सा, दोनों से बस, बाकी सारी पैर्स वो आपके रेंज में नहीं है। सो यू कैन से दैट आई डोंट हैव एनी एक्स सच दैट माई आंसर इज 1 2, दिस इज नॉट योर आंसर। ओके तो आप प्रॉपरली लिखते हैं, ऑन टू नहीं है वो समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अब मैं ले रही हूँ पहली ही ऑर्डर पेयर, 1 2 बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, वी डोंट हैव एनी एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 आंसर मिले, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 2। Okay, so this is your answer. You have to think beyond the box for this kind of sums. Okay. और एक देख लेते हैं order pair वाला। आज तो भाई order pair है ना थोड़ा hide and seek खेल रहा है। एक बार jump करके यहाँ पे आता है domain में, एक बार codomain में चला जाता है, वापिस domain में आ गया। देखे तो उसको देख लेते हैं, what is your question, f from n to n, f from n cross n to n, मतलब आपके जो डोमेन है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, को डोमेन में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो what is your question, what is your fx, fx is equal to fx, x के बदले आपकी ऑर्डर पेयर है mn, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है,
क्या, ले लो कोई भी वैल्यू. सपोज इफ आई एम टेकिंग f इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, तो क्या आंसर मिलेगा? 1 2 के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट दोनों का एडिशन, 3 हो गया. अब इफ आई एम जस्ट डूइंग अल्टरनेट ऑर्डर, m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1, तो क्या होगा? f इक्वल टू 2 1, जस्ट एड 2 प्लस 1, दैट इज अगेन 3. देखिए भाई, हो गया. Clearly, I can see that 1 2 is not equal to 2 1, since answer is same, so f is not 1 1. चलो भाई, ये तो गया. अब बात आती है on 2 की. तो सोचिए, बाकी सारे आंसर तो मुझे मिल जाएंगे. स्टार्ट, इफ आई एम टेकिंग 1 1, तो मेरा 1 प्लस 1 होगा 2. तो स्टार्ट आंसर हो रहा है 2 से. आंसर 1 कब आ सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर. मैंने अब भी बोला ना कि आंसर के लिए क्वेश्चन सोचो, तो वही आंसर 1 आ सकता है. 1 कब आ सकता है एडिशन में? इफ यू टेक 1 प्लस 0, देन ओनली यू कैन से 1. ओके, पर यहाँ पे तो n क्रॉस n है, और n में तो हमारे पास 0 तो है नहीं. तो अगर 0 नहीं है तो मतलब 1 भी नहीं आएगा. तो अगर आप रेंज लिखना चाहें, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 2, और यू कैन से n माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1. एक अकेला आंकड़ो रह गया 1, फिर भी वो बहुत स्ट्रांग है. वो बोलेगा मैं ऑन टू नहीं होने दूंगा. सिर्फ मैं अकेला रह गया तो क्या हुआ? f इज नॉट ऑन टू. ओके, सो ये थोड़े से क्वेश्चंस आप आज कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. जैसे जैसे 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वैसे ही इनवर्स फाइंड करने में बहुत ईजी है सबका. ओके, सो दिस आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस. अब एक थोड़ा सा होमवर्क के लिए मैं दे देती हूँ आपको. 7, एफ फ्रॉम आर प्लस 2 आर प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इज इट 1 1 और नॉट, इज इट ऑन टू और नॉट, जस्ट चेक आउट योर सेल्फ एंड आंसर मी आफ्टर सॉल्विंग दिस. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ वेरी नाइस डे.